हेलो एवरीवन, मेरा यूट्यूब चैनल अशोक एजुकेशन में आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों को आज की वीडियो में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल जिला रायपुर के अंतर्गत दावा आपत्ति के उपरांत जो फाइनल लिस्ट है, साथ ही साथ जो एडमिट कार्ड है, उसको DO ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। लेकिन मेरे पिछले वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर रहे थे कि अलग अलग जो पोस्ट है उसका एक ही टाइम में क्या है और अलग अलग एग्ज़ाम सेंटर में एक ही समय क्या है एग्ज़ाम होना है, मतलब जो एडमिट कार्ड में बताया गया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को आज की वीडियो में इसी के बारे में कम्प्लीटली बताने वाला हूँ। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो है उसको स्किप ना करें, एंड तक जरूर देखें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल अशोक एजुकेशन को सब्सक्राइब या सपोर्ट जरूर करें, ताकि आप लोगों को हर तरह का नोटिफिकेशन सबसे पहले अवेलेबल होते रहे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो बहुत सारे लोग क्या कमेंट कर रहे थे कि यही अलग अलग जो पोस्ट है उसका एक ही समय और अलग अलग एग्ज़ाम सेंटर में क्या है एग्ज़ाम होगा, तो इसका फुल सोल्यूशन क्या है, आप क्या है एक ही पोस्ट का जो क्या है अलग अलग पोस्ट में अप्लाई की हो उसमें से केवल क्या है एक ही पोस्ट का आप एग्ज़ाम दिला सकते हो। क्योंकि अगर एक सेंटर में एग्ज़ाम दिला जाओगे तो दूसरे सेंटर में एग्ज़ाम दिला नहीं सकते, तो इसका यही सोल्यूशन रहेगा। आप मतलब दो पोस्ट में अप्लाई की हो या तीन पोस्ट में अप्लाई की हो, उसमें से केवल एक ही पोस्ट का आप क्या कर सकते हो एग्ज़ाम को दिला सकते हो, अगर सेम टाइम में, अगर सेम डे और सेम टाइम में है तो। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा सोल्यूशन निकल जाएगा। आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू दोस्तों।